हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है हमें x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, इसके रूट फाइंड करने हैं हमें। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। x अपॉन में तो होल से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसको x से करेंगे तो x से x कैंसिल, 1 हो जाएगा इक्वल टू 3x हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर 3x यहाँ आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 1 है यहाँ पे इक्वल टू 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखेंगे ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है a1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, और सी कितना है माइनस 1, ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4, 1 जा 4, ये हो जाएगा 13। ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानी एग्जिस्ट करेगा, सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है सोल्यूशन का, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी। बी कितना है हमारे पास, बी है हमारे पास माइनस 3, तो माइनस तो ये वाला रहेगा और माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने फाइंड किया था कितना है 13, तो रूट 13 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है 1, तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 13 रूट अपॉन 2, ये आ गया x। अब प्लस माइनस है तो दो रूट बनेंगे इसके, x पहला आएगा 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, और दूसरा आएगा 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ठीक है, ये इसके दो सॉल्यूशन।